हमारा यहाँ के बच्चा की ज्ञान लड़ रहा है, हमारा यहाँ के बच्चा की सीट लड़ रहा है, हमारा यहाँ के बच्चा केहन आचरण सीख रहा है। हम अहा ओहि पर संतुष्ट छी तो विद्यालय ठीक है, हम अहा ओहि पर संतुष्ट नहीं छी विद्यालय बेठीक छै। अर्थमंत्री जी से आग्रह है कि दू नंबर प्रदेश के पशुपति नगर मावी स्कूल के नमूना स्कूल बना देल जाए, ये हमारा आग्रह है उनका। हाम्रो प्रदेश आउने केही वर्षभित्र हिजो एउटा अन्नको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उत्पादन गर्ने भण्डारको रूपमा रहेको यो मध्य प्रदेशलाई हामीले फेरि त्यही ठाउँमा स्थापित गर्नुपर्ने जरुरी छ। बेरोजगार भएका मानिसहरूलाई यही कोणबाट हामीले स्वरोजगारको दिशामा अगाडिपट्टि बढाउनु पर्नेछ। स्कुललाई निरन्तरता दिन साइकल र उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि छोरी सुरक्षा बिमा योजना आयोजना गरिदिनु भएको छ, म त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्या देवी भण्डारी छै जे अपने के महिला छै, आइ उनको माता पिता अगर सुतले रहते कि लड़की के पढ़ाई से कुछ न होइ छै त आइ नेपाल के राष्ट्रपति नहीं हुई। एहन अनगिनत उदाहरण है, अपने सब सुनले हो भाई, लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली देश भारत के मानी छै और भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे, अपने सब सुनने हो गए, एगो शक्तिशाली महिला। पाकिस्तान के बनर्जी भुट्टो, आज के मिति में बांग्लादेश के शेख हसीना राष्ट्र प्रमुख, तो शायद वहां के समाज हमारा हाथ से एक कदम आगानी बढ़ गए और बुझलके शिक्षा के महत्व और भैया प्राथमिकता दिल की लड़की के आज वहां के राष्ट्र प्रमुख। ये अभियान से महिला सशक्तिकरण के अभियान अंतर्गत एक प्रदेश में रहल संपूर्ण सामुदायिक विद्यालय सब में छात्रा सबके साइकिल वितरण कार्यक्रम करे के प्रदेश सरकार के जो निर्णय से वो निर्णय तहत ही आए स्कूल में वितरण भ रहा है। भले ही ए नगर पालिका के 5 स्कूल में मात्र वितरण भेल है, हम अपने सबके जानकारी कराबा चाहे छी आबे वाला समय में एहिठमा के संपूर्ण सामुदायिक विद्यालय में साइकिल वितरण हेतै से अपने सबके हम जानकारी कराबा चाहे। केंद्र सरकार सेहो आंदोलन के बदलत एले, प्रदेश सरकार आंदोलन के बदलत एले, वास्तव में उ चीज हम अहा महसूस कर रहल छी कि नहीं, आई एत ध्यान देबक चाहिए। आई हम अहा जनै छी स्कूल सब ज्ञान, स्कूल सब ज्ञान सीख आ आचरण, ये तीन टा चीज मिले है स्कूल सब, ऐसे बेसी किछो नहीं मिले है। ज्ञान सीख आचरण, हमारा यहाँ के बच्चा की ज्ञान लड़ रहा है, हमारा यहाँ के बच्चा की सीख लड़ रहा है, हमारा यहाँ के बच्चा केहन आचरण सीख रहा है। हम अहा ओहि पर संतुष्ट छी तो विद्यालय ठीक छै, हम अहा ओहि पर संतुष्ट नहीं छी विद्यालय बेठीक छै। एहि पर हम ध्यान केंद्रित करब चाहब, आइ हम अहा गरीब छी, हम अहा पछाड़ी छी, किया किया पछाड़ी छी हम अहा, आइ आइ से 10 बरिस पहले, आइ से 15 बरिस पहले, आइ से 20 बरिस पहले, परिवर्तन से पहले, गणतंत्र आवास से पहले सबसे बेसी डॉक्टर मधेश के रहे, सबसे बेसी इंजीनियर मधेश के रहे, सबसे बेसी मास्टर मधेश के रहे, पहाड़ हिमाल दुर्गम में जाकर मधेश के लोग पढ़े, आज सबसे बेसी निरक्षर मधेश में है। किया भले ना के कदल गई तेकर नजर लगले मधेश में, किया भले ना एक जवाब के देते, एक जवाब के देते, हम केकरा से जवाब मंगे। हम आत्मनिर्भर के बात कर रहे, आई समाज के आत्मनिर्भर, सरकार की कलके नहीं कलके वो एक अलग स्टेज है, लेकिन आत्मनिर्भर केना बनबे, आत्मनिर्भर शिक्षा और स्वास्थ्य से बनबे। अपना घर में शिक्षा जब तक लागू नहीं करबे, स्वास्थ्य के नहीं उत्पादन करबे, कुछ नहीं हो, वो आत्मनिर्भर से होते। हमू एक गर्व से कहे किसान के बेटा छी, शिक्षा के विषय है, नैतिक शिक्षा लागू करे पड़ते। अगर हम मंत्री रहती तो देश में
प्रत्येक स्कूल में एक सरकारी एक घंटी विषय लेती है नैतिक शिक्षा के जो अभी पतन हो रहा है। ये वो हम नैतिक शिक्षा के स्कूल बनाबे के प्लानिंग लाइव रहल छे। आत्मनिर्भर के बात करब, प्रत्येक आदमी अपना घर में आत्मनिर्भर के बात करू, शिक्षा के बात करू, स्वास्थ्य के बात करू, वही में हमरा से सहयोग लिया। हमरो कुछ निजी विकास चली छे, अब तो स्वास्थ्य में लगानी डॉक्टर आ गेल छे, दोसर अब शिक्षा में लगानी कर रहल छे। और दोसर सबसे खुशी के बात है प्रदेश सरकार के अर्थमंत्री जी अपने के प्रमुख अतिथि छत कुबेर के भंडारे लेके आये छत अपने के स्कूल में वो कुछ देता। और हमर तीन महीना विकास के निजी कार्यक्रम चले छे जे अपने के सावन भादो आसी वही में स्कूल के अध्यक्ष जी संपर्क करतन। प्रत्येक साल के ही बजट छे हमर, वही में तो हम सहयोग करी आइए रहल छी, करबे करब, ये हमर प्रतिबद्धता छे। आई स्कूल के हम अर्थमंत्री जी से आग्रह है प्रदेश के दू नंबर प्रदेश के पशुपति नगर मावी स्कूल के नमूना स्कूल बना दिल जाए, ये हमारा आग्रह है उनका से। कि वास्तव में यह मूलुक में संघीयता चाहिए थी भले कुछ दुईटा राजनीति शक्ति मत चाहिए, एटा माओवादी रो मधेशवादी। हमी कुछ न कुछ प्रकार के जनता को अभिमत द्वारा ये बेला हमी सरकार संचालन गरिराखेका छौं र एकदम यो लोकप्रिय नाराको वरिपरि हामी काम गरिराखेका छौं। मलाई लाग्छ यसका वरिपरि यो एउटा मात्रै कार्यक्रमले यो बेटी बचाऊ र बेटी पढाऊ को नारा पूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका पछाडिपट्टि आज तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने हाम्रो दुई नम्बर प्रदेशमा जति विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयमा केही अपवादका विद्यालयदेखि बाहेक सबै विद्यालयहरूमा शिक्षक कर्मबन्दीको अभाव छ, भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ, विद्यार्थी पढ्ने र सिक्ने ल्याबको अभाव छ। यसलाई हामीले पुरा गर्दै यो विषयलाई जोड्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो। हामीले के गरिराखेका छौँ त्यो कुरा त अहिले हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूबाट प्रश्न हुने नै छ। शिक्षा सम्बन्धी हाम्रा दृष्टिकोणहरू के हुन्, हाम्रा योजनाहरू के हुन्। मैले शिक्षा विकास मानव स्रोत विकास केन्द्रले दरबन्दी मिलान गरिसकेपछि हाम्रो बर्दिवास नगरपालिकालाई विभिन्न तह गरेर 96 चाहिँ दरबन्दी घटिरहेको चाहिँ परिपत्र गरेको छ। तर त्यो 96 शिक्षकको दरबन्दी चाहिँ सायद हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। दरबन्दी मिलानको आधारमा यहाँको आवश्यकताको आधारमा 96 दरबन्दी हामीलाई अभाव छ। हामीले यो कुरालाई सोच्यौँ र त्यो हिजोको विभाग जो अहिले मानव विकास स्रोत केन्द्रको रूपमा छ त्यसका डिजी साहबलाई मैले फोन सम्पर्क गरेँ र उहाँले चाहिँ अहिले शिक्षक पठाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन भन्नुभयो। सङ्ख्याको रूपमा कुन नगरमा कति दरबन्दी भन्ने कुरा त मिलान गरेर पठाउनु भयो उहाँले, तर शिक्षक नदिइसकेपछि र विद्यार्थीको चाप यति ठुलो चाप बढ्यो कि हाम्रो हामीले न्यूनतम रूपमा आज बर्दिवास नगरपालिकाले 62 शिक्षक नगर शिक्षकको रूपमा नियुक्ति गरेर हामीले प्रत्येक विद्यालयलाई न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौँ। 7 विद्यालयमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका इन्जिनियरहरू नियुक्ति गरेर पठाएका छौँ। हामी सबै विद्यालयहरूमा ल्याबको प्रबन्ध गरिराखेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयहरूको सबलीकरणको योजना अन्तर्गत हामी यति बेला भौतिक संरचना, त्यसपछि गएर चाहिँ कम्पाउन्ड वाल, विद्यालय ग्रिनरी गर्ने, उचित ढङ्गको चाहिँ नि खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने, त्यसपछि गएर व्यवस्थित ढङ्गको शौचालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने। हामीले त्यतिले मात्रै अझ हामी सन्तुष्ट भइराख्न पाएका छैनौँ। ठुल्ठुला विद्यालयहरू अहिले हाम्रो नगरभित्र प्राय माविहरू अधिकांश माविहरू
सन्दर्भमा प्राविधिक धारका चाहिँ पढाई भइराखेका छन्। मलाई लाग्छ यो सन्दर्भमा हाम्रो पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलजी शिक्षा मन्त्री भइरहँदाखेरि महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर एकमा मात्र होइन सिङ्गो नेपालमा कम्तीमै हरेक नगरपालिकाभित्र आज 753 वटै चाहिँ नगरपालिकाभित्र प्राविधिक धारको चाहिँ प्रादुर्भाव भएको छ। बेटी पढाओ र पढेपछि सक्षम हुन्छ नि बेटी बचाओ जुन कार्यक्रम ल्याइदिनु भयो यो अत्यन्त सराहनीय छ, यो प्रभावकारी छ। यसले गर्दाखेरि त्यो मावि स्कुलबाटै छुट्ने जुन छोरीहरूको सङ्ख्या थियो त्यसमा क्रमशः कम हुँदै यो माध्यमिक सम्म चाहिँ पढ्ने जुन एउटा सिलसिला चलेको छ यो कार्यक्रमले पनि टेवा पुगेको छ। कतै कतै साइकलले छोरीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्छ र भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। सम्पूर्ण कुराहरू केही साइकलले मात्रै जिम्मा लिन सक्दैन होला, तर पनि यो एउटा माध्यम बनेको छ, प्रदेश सरकारले एउटा माध्यमको यो उपाय निकालेको छ र यसकारण पनि यो योजना प्रभावकारी छ, फलदायी छ र यसले निरन्तरता पाओस् यो नटुटोस् म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु पनि ल्याएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथि प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीलाई, तपाईँले छुट्याएका योजनामा तपाईँले समावेश गरेका योजनामा महिला सम्बन्धीका योजनाहरू छोरी सम्बन्धीका योजनाहरूलाई भर्सक दरै रकम दिएर छुट्याइदिनु होला, यसमा कुनै कटौती नहोस् मैले आग्रह पनि गर्न चाहे। छोरी सुरक्षा बिमा लागू भयो, सुरुवाती अवस्थामा 1 लाखबाट सुरुवात गरेको छोरी सुरक्षा बिमा पहिलो वर्ष त्यतिकै रह्यो, दोस्रो वर्षबाट लागू भयो, अहिले तेस्रो र चौथोमा आउँदा केही रकम पनि बढेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु मुख्यमन्त्रीजीलाई, यो पनि एउटा छोरीहरूलाई चाहिँ बाँच्ने एउटा उपाय भएको हुनाले जुन पढाउन र बचाउनेको जुन अभियान लिनुभएको थियो स्कुललाई निरन्तरता दिन साइकल र उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि छोरी सुरक्षा बिमाको जुन आयोजना गरिदिनु भएको छ म त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। चाहे आजका प्रमुख अतिथिको सामुन्यमा छोरी सुरक्षा बिमा लागू भएको छ, खर्च पनि भएको छ, रकम छुटिएको पनि थियो, लागू पनि भयो, रकम पनि छुट्यो, तर त्यसको प्रभावकारिता कम भएको छ, यो कहाँ मिसयुज भइरहेको छ, छोरीहरूको बिमा कहाँ भइरहेको छ, धेरै पालिकाहरूलाई यी कुराहरू थाहा पनि छैन होला। मैले मेरो पालिकाका एउटा जस्तो साथीलाई सोधेको थिएँ, हाम्रोमा यो कार्यक्रममा आइपुगेको छैन, हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुराहरू मैले जानकारीमा पाएँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यसको निरन्तरता होस्, यो कहाँ सामञ्जस्य पुगेको छैन, कर्मचारीहरूको भित्रैको यो चाहिँ कमजोरी हो कि मन्त्रालयबाटै कमजोरी हुन गएको हो कि, यो प्रभावकारी योजनाहरू जुन उद्देश्यले यो योजना ल्याएको छ यो योजना प्रभावकारी नरहेको हुनाले मैले आजका प्रमुख अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिरहनु भएका अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहिँ तपाईँहरूले अनुगमन गरिदिनु पर्यो यो कहाँ विषयमा अड्केको छ र छोरी सुरक्षा बिमा कार्यक्रम चाहिँ लागू भइरहेको छैन यसलाई विशेष ध्यान दिन हुनको लागि पनि मैले आग्रह गर्न चाहे। छोरीहरूलाई सबल बनाउनुपर्छ, सशक्त बनाउनुपर्छ, आत्मरक्षाको लागि उनीहरूलाई दलो बनाउनुपर्छ, आफूप्रति भइरहेका नकारात्मक गतिविधिको प्रतिकार गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले योजनाहरू ल्याउनु भएको थियो त्यो पनि सराहनीय छ। यसकारण पनि प्रदेश सरकारले ल्याएका यी विशेष छोरी सम्बन्धीका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा तराईमा लागू भएको देख्दा मलाई पनि खुसी लाग्छ। महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित गर्दिवास नगरपालिकामा 51 वटा सामुदायिक विद्यालय र 24 वटा निजी विद्यालय छ, जम्मा 75 वटा छ, जसमा 51 वटा त हाम्रो सामुदायिक विद्यालय नै छ। मेरो क्षेत्र अझै भङ्गा नगरपालिकाको 4 वडा भागी नै छ, यतातिर 14 वटा वार्डमा रहेको 51 वटा विद्यालयमा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम आज 5 स्कुलले यो साइकल वितरण कार्यक्रम पाएको छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा त 51मा 5 पाउँदाखेरि खुसी हुने अवस्था त छैन होला, तर पनि जुन सुरुवाती अभियान छ सुरुवात गरिदिएको छ, उत्तरीतिरको स्कुललाई पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो योजनाभित्र पारिदिनु भएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब 51मा 5 घटेपछि रहेका विद्यालयले पनि यो साइकल वितरण कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट जुन सञ्चालित छ यसमा समावेश हुन पाओस् म आजका प्रमुख अतिथिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा अहाँके समाजमे बहुत सारा
हम अहा उदाहरण के रूप में जानी छे विश्व में बहुत सारा देश है। आई देश संपन्न है, वहां के नागरिक भी संपन्न है। ओकर मूल कारण देखबै, प्रमुख कारण देखबै तो शिक्षा, और वहां के सरकार पहली प्राथमिकता में कही तो शिक्षा के चुने के काम कर गई। आई राष्ट्र सिर्फ देश समृद्ध नहीं, वहां के नागरिक भी समृद्ध। आई हमरा अहा के जब कहीं भी देश के चर्चा हुई छे तो हम अहा आसानी रूप से ले ले छियै कि विश्व में सबसे शक्तिशाली देश, सबसे संपन्न देश, सबसे शिक्षित देश अमेरिका तेनान है, सिंगापुर है, इन प्रकार के कुछ देश के हम अहा नाम ले छियै। तो वही देश में एको गो कारण है, वहां के सरकार पहिल प्राथमिकता अगर विकास के मनलके तो शिक्षा के लिए। तेहने प्रदेश नंबर दू के भाग गए कि जो हम समृद्धि के बात कही छी, संपन्नता के बात कही छी, तो सबसे प्रथम जे समाज के जे शिक्षा के स्तर ओकरा बढ़ावे पड़ते, और ओकर बहुत सारा कारण है। हमरा अहा के समाज में जे रूढ़िवादी सोच है, जो हम अहा आसानी से कह दे छियै कि शिक्षा के मतलब मात्र लड़का, शिक्षा के मतलब मात्र लड़की के हम अहा नहीं बुझे छी, मात्र लड़का के प्राथमिकता दे छी, जै के कारण से आई हम अहा पछाड़ी पड़ल छी। और हमरा अहा के समृद्धि कहल जाए तो कोसो दूर हमरा अहा के समृद्धि, और ये बात प्रदेश सरकार बुझ गेलै कि अगर हम विकास वास्तव में यहाँ के जनता के लागे हम अगर विकास के प्रत्याभूति कराबे चाहे छी, अयन के जनता के चेहरा पर मुस्कान लाबे चाहे छी, अयन के जनता के समृद्ध करे चाहे छी, तो ओकरा शिक्षा के बढ़ चढ़ के गाड़ी बढ़ाए पड़ते, और तै लेल जन चेतना कम से कम समाज में जाए, तै लेल मुख्यमंत्री जी द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम लाए गए, और वही लेल वही में अहा के प्रथम प्राथमिकता साइकिल के दिल, ताकि समाज के जो रूढ़िवादी जो सोच है ये कम से कम अंत हो। और आजू के दिन में हमरा बड़ा खुशी महसूस भ रहा है कि आई हमरा अहा के समाज में सबसे पिछला पौधान पर जो रह जो महिला कि लड़के ही राज्य के हरेक निकाय में पहुंचल। आई जै राष्ट्र के हम अहा नेपाल कही छी, जै देश के नेपाल कही छी, यहाँ के प्रथम नागरिक कही, अगर राष्ट्रपति कही तो विद्या देवी भंडारी छै जे अपने के महिला छै। आई उनको माता पिता अगर सोचले रहते कि लड़की के पढ़ेला से कुछ न होइ छै, तो आई नेपाल के राष्ट्रपति नहीं हुई। एहन अनगिनत उदाहरण है, अपने सब सुनले हो भाई, लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली देश भारत के माने से, और भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे, अपने सब सुनले हो गए, एगो शक्तिशाली महिला। पाकिस्तान के बनर्जी भुट्टो, आज के मिति में बांग्लादेश के शेख हसीना राष्ट्र प्रमुख, तो शायद वहां के समाज हमरा हाथ से एक कदम आगानी बढ़ गेले, और बुझलके शिक्षा के महत्व, और भैया प्राथमिकता दिल की लड़की के, आई वहां के राष्ट्र प्रमुख है। तो हमरा अहा के दिमाग में जो सोच है कि लड़का के मायने में लड़की कमजोर है, ये सबसे बड़का समस्या है, इस समस्या के हटाना पड़ता है। अगर विकास के बात कर भी तो रोड सड़क पुला या बड़े बड़े बिल्डिंग ना है, विकास के अगर मूल बात कर भी तो शिक्षा है, और शिक्षा के हम अहा के प्राथमिकता के रूप में ले भी पड़े, तेल प्रदेश सरकार बढ़ चढ़ के अपने के शिक्षा के महत्व देवे के काम। छात्रा सब के साइकिल वितरण कार्यक्रम करे के प्रदेश सरकार के जो निर्णय है, कोई निर्णय तहत ही आए स्कूल में वितरण भ रहा है। भले ही नगर पालिका के 5 स्कूल में मात्र वितरण मिले, हम अपने सबके जानकारी कराबे चाहे कि आबे वाला समय में एहिठमा के
संपूर्ण सामुदायिक विद्यालय में साइकिल वितरण हेतु से अपने सबके अनुदान कार्यक्रम साथ साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत जे बेटी सबके शैक्षिक बीमा के जे बात अपना सबके माननीय जी सरदार जी उठे की दिया निश्चित रूप में प्रदेश सरकार के स्थापना के बाद विभिन्न निर्णय तहत एक निर्णय कल गए 76 साल मार्च के गते के बाद जते भी बेटी एक प्रदेश में जन्म लेते पहल साल निर्णय मिले कि उनका सबके 1 लाख के शैक्षिक बीमा कल जते और वो कार्यक्रम आगे भी बढ़ले तहते दोसर साल वही रकम के बढ़ा के 3 लाख कल गए जहिया भी बेटी जन्मते नाम से 3 लाख के शैक्षिक बीमा प्रदेश सरकार खोल जा रहा है और वो संचालन कहीं व्यवस्थापन में कहीं समस्या अल 76 साल में जो प्रमुख बैंक अपना सबके साथ समझौता कने रहे उस समझौता दोसर साल को नहीं चला सकले ते द्वारा कहीं अहाँ के व्यवस्थापन में समस्या अल अबेर से प्रदेश सरकार वो कार्यक्रम विधिवत रूप से संचालन हेतु से अपने सबके जानकारी कराव चाहे और वो 76 माह के एक बार जतेक जन्म लेते सबके हेतु अगर मतलब बीच में नहीं भले से बात नहीं 76 माह एक करते के बाद जतेक जन्म लेना छे बेटी सब और आय के बाद जतेक लेते मुदा सबके सबके नाम में से 3 लाख के शैक्षिक बीमा प्रदेश सरकार करते अपने सबके जानकारी के लिए भी करना चाहे साथ साथ बहुत सारा रास बात आबि गए जे अपन सबके एठमा के शिक्षा के जे दर छे या अन्य क्षेत्र में खास करके प्रदेश नंबर 2 देश के जे मानव सूचांक छे वही सूचांक के आधार पर अगर देखा जाए कर्णाली बाहरे के बाद यह प्रदेश छे अपना सबके जे हरेक क्षेत्र में अपना सबके पछाड़ी छे फेनो ये पछाड़ी अपना सबके ये संघीयता एल 3.5 वर्ष के पीरियड में प्रदेश सरकार बनले तो पछाड़ी भेलिए से बात नहीं अखन जे बहुत सारा बात आबै छे कि अपना सबके कतौ न कतौ अगर पछाड़ी पड़े के कारण कोनो संघीयता एल तो पड़लिए से कोनो बात नहीं छे ई वर्षों से छै से अहाँ के देश में खास करके एहिठमा देश में रहल उत्पीड़ रहल समुदाय या लिंग के आधार में जो विभेद भेल छै आ राजनीतिक रूप से जो विभेद भेल छै या अन्य रूप से जो विभेद भेल छै विभेद कयल गेल छै वही आधार पे आइ पछाड़ी पड़ल छै आइ 3 वर्ष में शिक्षा खत्म भए गेल से बात नहीं छै ई अहाँ के वर्षों से जे छै से अहाँ के विभेद के शिकार एहिठमा से अपना सबके भोग के लिए ओकर कारण से अपना सबके हरेक क्षेत्र में पछाड़ी पड़ल छै हम किनको आलोचना नहीं करय चाहे छी कोनो सरकार के चाहे वो संघीय सरकार हो प्रदेश सरकार हो या स्थानीय सभा अखन अपना सबके 3 तरह के सरकार भ गेल छै तीनों तरह के सरकार के अपन अपन जिम्मेवारी छै आइ तीनों तरह के सरकार के समन्वय में एक प्रदेश के एक देश के समृद्धि और विकास तबे संभव छै जावत ने कि तीनों सरकार के समन्वय नहीं है आइ समन्वय में बहुत सारा अभाव छै ओकर मुख्य कारण कतौ न कतौ राजनीतिक से ही जुटल छै आइ दुनिया में जतौ भी अहाँ के संघीयता छै वो अपने सब देखना अगर राजनीतिक रूप से तो संघीयता के में जे सरकार सब होइ छै ओकर जे तह सब होइ छै तो केंद्र सरकार के माथत प्रदेश सरकार होइ छै प्रदेश सरकार के माथत स्थानीय सरकार होइ छै लेकिन आइ अपन सब के मुलुक में की छै संघीय सरकार छै और ओकर माथत में के भेल स्थानीय निकाय छै तो कतौ न कतौ ई जहिया संघीयता के बाधात्मक रूप से संघीयता एहिठमा मुलुक में कुछ शक्ति सब स्वीकार कलके वही दिन से संघीयता के विफल करे के लेल एहिठमा विभिन्न षड्यंत्र सब जहिया संघीयता एलै तहिये से विफल करे लेल लगल छै और अपने सब के मालूम छै कि आय इस संघीय प्रणाली के जे अखन अपना सब के कार्यान्वयन के चरण में छै विभिन्न बाधा अवरोध सब अखन संघीयता के ऊपर में आबि रहल छै स्वाभाविक रूप में बहुत बड़ा चुनौती छै तर प्रदेश सरकार अखन अपना सबके सीमित साधन स्रोत के बावजूद
जैसे अपन विभिन्न क्षेत्र में काम सब अगड़ी बढ़ाए सीमित साधन स्रोत के मतलब ये कहलो कि आज जो नेपाल के बजट बने आखिर विकास कथी पे हेतु बजट पे विकास भाषण देना से अहाँ के विकास नहीं हेतु ये तो हम बहुत बड़ा भाषण दे देवे ऐसे तो विकास नहीं हेतु विकास के लिए बजट चाहिए नीति चाहिए और अहाँ के कार्यक्रम के लिए बजट चाहिए वो बजट के अगर अवस्था देखे तो 70% के जैसे अहाँ के बजट संघीय सरकार रखना चाहिए 70% अहाँके तकर बाद अहाँके जे से 15% जे से अहाँके प्रदेश सरकार के देने छै और 15% स्थानीय सरकार के देने छै एकर मतलब ई भेलै कि 15% प्रदेश सरकार में 7 प्रदेश में छै एकर मतलब भेलै कि प्रदेश नंबर 2 में 2.5 के हाराहारी में छै अहाँके बजट छै कुल नेपाल के बजट में 2.5% एक प्रदेश सरकार के बजट से वही बजट में अहाँ के प्रदेश के समग्र विकास करे के कते बड़का से अहाँ के विभेद है बात अपना सब बुझे तो मैं प्रदेश प्रदेश नंबर 2 विकास कतर हेतु यहाँ के नागरिक के विकास हेतु ना कि वन जंगल के विकास हेतु से कहूँ सबसे ज्यादा नागरिक भेल प्रदेश से नेपाल में सबसे ज्यादा अगर नागरिक कोनो छै काठमांडू अगर हटा देवे तो वो अहाँ के प्रदेश नंबर 2 में छै मानना जी कहल 54 लाख से ज्यादा नागरिक भेल प्रदेश से आ बजट कतेक आबे छै जे दोसर बजट में प्रदेश में आबे छै बजट ओकरे अनुपात में ओहो प्रदेश में बजट आबे छै तो स्वाभाविक रूप में छै से अहाँ के चुनौती सब छै आइ शिक्षा के बात कहबे तो विभेद हम कहने छी कतक विभेद छै सबसे पहले तो विभेद अतः भेल छै इस संघीय सरकार बिना तैयारी के साथ शिक्षा के छै से आके स्थानीय तौर में छै से आनि देलकै आइ स्थानीय तौर के साधन स्रोत नहीं छै सारा जीवाई दल के स्थानीय तौर के अहाँ दरबंदी मिलान कर लैके ओकर छै से अहाँके व्यवस्थापन से लैके सारा जिम्मेवारी अहाँके स्थानीय तौर के दलके प्रदेश सरकार के कोनो जिम्मेवारी नहीं रहने छै आइ प्रदेश सरकार के शिक्षा से पूरा अहाँके छै से अहाँके बहुत दूर कर देने छै अहाँके संवैधानिक रूप से की व्यवस्था छै तो तै दुआरे ई अवस्था छै आइ कहबै तऽ ओहू में कतेक बड़का दरबंदियों में कतेक बड़का विभेद छै अपने सबके हम जानकारी कराबे चाहे छी पहाड़ और हिमालय में 30 विद्यार्थी पर एकटा शिक्षक एकटा शिक्षक सब हेतु जानकारी हेतु हुनका सबके 30 विद्यार्थी पर एकटा शिक्षक के दरबंदी होइ छै लेकिन मधेश में 50 विद्यार्थी पर एकटा शिक्षक दरबंदी छै कतेक बड़का विभेद छै से कहू तै दुआरे अपने सब को हम ई मात्र समय के अभाव छै बहुत बात हम नहीं करय चाहब ई बात सही छै विकास के मुख्य स्रोत कृषि तक शिक्षा छै शिक्षा बिना विकास कदापि संभव नहीं छै तो प्रदेश सरकार शिक्षा के छै से प्राथमिकता में राखि के छै से अपन काम सब अगाड़ी बढ़ने छै ओहि तहत ई अभियान सब भी जारी छै और ई अभियान कतौ ने कतौ आइ प्रदेश के छै से अहाँ के एकटा गौरव के रूप में अगाड़ी बढ़ा रहल छै तै दुआरे प्रदेश सरकार प्रोफेसर के हम जानकारी कराबे चाहे छी कि एही महीना के भीतर में प्रदेश सरकार द्वारा 2 विश्वविद्यालय के छै से स्थापना करल जा रहल छै 2 विश्वविद्यालय एकटा कृषि विश्वविद्यालय और दोसर छै से अहाँ के विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय एहि प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के एहि निर्माण भऽ रहल छै कि प्रदेश जे 8 जिला छै 70 से लैके 12 प्रसा तलिक एकर मुख्य स्रोत ही कृषि छै आइ 80% से ज्यादा नागरिक के निर्भरता अहाँ के कृषि में छै ताहि दुआरे एहिठमा के कृषि के आधुनिकीकरण करय के लेल व्यवसायीकरण करय के लेल निश्चित रूप में जावत तलिक एहिठमा के छै से कृषि बढ़िया नहीं हेतै तावत में छै से एहिठमा के प्रदेश के समृद्ध और विकास नहीं भए सकै छै ताहि दुआरे प्रदेश सरकार एहि महीना के भीतर में अहाँ के छै से कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना करय जा रहल छै और ओहि विद्यालय के माध्यम से प्रदेश में संपूर्ण पालिका में छै से अहाँ के कृषि संबंधी अहाँ के विद्यार्थी सब के पूर्ण पाठन के शुरुआत करते और एक तरह के नया कृषि क्रांति के रूप में छै से प्रदेश के विकास करय जा रहल छै तहिना अखन छै से दुनिया प्रविधि और प्राविधि के युग छै ई 21वीं शताब्दी प्रविधि और प्राविधि के युग छै कुछ पूर्वक्ता साथी सब कहलक कि डिग्री लेने से कोनो महत्व नहीं छै जावत तक अखन के दुनिया में प्रतिस्पर्धी शिक्षा नहीं हेतै अहाँ के छै से गुणस्तर शिक्षा नहीं हेतै तावत तक डिग्री लेने से अहाँ के कोनो महत्व नहीं छै अखनियो अहाँ कते बेरोजगार किए छै अपना सब के प्रदेश में या देशे में कहबे क्वालिटी वाला अखनियो भी छै से अहाँ के विद्यार्थी बैठल नहीं छै कतौ ने कतौ रोजगारी पाबने छै जगह नीक क्षमता छै नीक अहाँ के क्वालिटी छै बेरोजगार केहन छै जकरा छै से अहाँ के ओकरा बढ़िया शिक्षा नहीं छै खाली डिग्री लगाने छै आइ हमरा सब के दिन में
प्रत्येक दिन अहाँ के सैकड़ों आदमी आबे छै नेताजी हमरा बेटा के छै से जागीर लगा दियो रोटी लगा दियो और पूछै छै अहाँ के बेटा के पढ़ाई की छै तऽ एसएलसी केना छै आ 10+2 मे छै से दूटा विषय मे बैक लगल छै कहू एहन क्वालिटी के अहाँ कदे कोर्ट मे अहाँ जागीर दे सकै छी तऽ ई क्वालिटी भी बहुत बड़का महत्व राखै छै तऽ ओहिके लेल सबसे महत्वपूर्ण बात छै कि शिक्षा नीति केहन छै आइ नेपाल के शिक्षा कि शिक्षा नीति जे छै से अपन सबके बहुत ही खराब शिक्षा नीति छै ओ नीति परिवर्तन जावत नहि हेतै ताबत एकटा गुणस्तरीय शिक्षा कदापि संभव नहि छै और ओ मात्र प्रदेश के चाला से मात्र संभव नहि छै ओहिके लेल राष्ट्रीय स्तर मे अहाँके शिक्षा नीति छै से आना पड़तै और ओहि तहत छै से प्रदेश सरकार समन्वय भी कऽ रहल छै प्रदेश अपने शिक्षा एना रहल छै और ओ एना रहला के बाद जे हम कहलहुँ कि आप शिक्षा में भी प्रदेश में जतेक सामुदायिक विद्यालय सब छै एहि सामुदायिक विद्यालय में जनशक्ति के जे रूप से अभाव छै या भौतिक पूर्वाधार के जे रूप से अभाव छै ओ सम्पूर्ण पूरा करल जाय ताहि दुआरे अपने सबके आप बहुत समय निराश हो रहल छै बेसी बात नहि कहे चाहब संक्षिप्त में और एक दूटा बात मात्र कह चाहब कि प्रदेश सरकार हरेक क्षेत्र में रूपांतरण करे के प्रयास कर रहल छै स्वाभाविक रूप में एक मुलुक में बहुत सा राजनीतिक परिवर्तन भेल बहुत कम समय में बहुत राजनीतिक परिवर्तन भेल आइ अपना सबके चाहे जन आंदोलन हो जनयुद्ध हो चाहे मधेश विद्रोह हो या मधेश आंदोलन हो या बहुत सारा उत्पीड़न समुदाय सबके आंदोलन जो है ओहि आंदोलन से उपलब्धि जो आइ संघीय लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए ओकर साथ साथ सामाजिक परिवर्तन जे नहि भेल छै ओहि कारण से ई उपलब्धि सबके अनुभूति आम जनता तक नहि पहुँच रहल छै तब सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रदेश सरकार के हम कहलहुँ कि विभिन्न क्षेत्र में आइ महिला सशक्तिकरण के जे बात भेलै स्वाभाविक रूप में अपन सबके प्रदेश में आधा से ज्यादा जनसंख्या भेल अपना सबके महिला सबके में और वो महिला के अपना सबके एकटा घर में रख के छै से सुखाबे समाज के विकास भए तो संभव नहीं छै आब महिला के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय में चाहे वो राजनीतिक में हो चाहे अन्य कोनो क्षेत्र हर क्षेत्र में से महिला सबके प्रतिनिधि सहभागी और भागीदारी जावत नहीं हेतै ताबत से अपन सबके समाज के विकास संभव नहीं है और वही के लिए सबके अपन अपन तह से अपन अपन गाँव से सबके अपन अपन जीवन निर्भर पड़ते और ओहि प्रदेश सरकार आगामी बढ़ल छै तहिना अहाँके एखुनका अवस्थामे प्रदेश सरकार द्वारा हरेक क्षेत्रमे कहलहुँ जे स्वास्थ्य क्षेत्रमे भी अखन देखना होय कि अहाँके एहिठाम मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानके स्थापना भऽ गेलै ओकरा बढ़िआँ व्यवस्थित कए कऽ अहाँके प्रत्येक जिलामे जे अखन अस्पताल सब छै ओकरा स्तर उन्नति करैके बात भऽ रहल छै तहिना अहाँके कृषि क्षेत्रमे अहाँके हमेशा पहिने कृषि मंत्रिये रहियै विभिन्न क्षेत्रमे कृषिके केना से यांत्रिकरण करल जाय प्रदेश सरकार द्वारा कृषिके यांत्रिकरण करैके लेल अहाँके जे छै विभिन्न उपकरण सब जे छै से 50% अनुदानमे भी अहाँके मशीन सब पूरा उपलब्ध करायल जा रहल छै जे कमतीमे एहिठुमाके जे युवा सब जे विदेश जाइ छै स्वाभाविक रूपमे सबसे ज्यादा युवा सब एखन अगर विदेश जा रहल छै अपने सबके प्रदेशके युवा सब विदेश जा रहल छै ताहि दुआरे एहि बेर प्रदेश सरकार अहाँके युवा सबके जे छोट छोट सीट चाहे ओ जे पावना छै जे ग्रहण केना छै ओहि सीटके छै से अहाँके छै से प्रयोग कए कऽ प्रदेश सरकार अहाँके हुनका सबके पूँजीके व्यवस्था प्रदेश सरकार करल जा रहल छै एहि बेरके अहाँके योजना से कमतीमे एहि प्रदेशमे 5,000 युवाके छै से रोजगारी दैके प्रदेश सरकारके योजना छै ताहि दुआरे एहि प्रदेशके समृद्धि और विकासके लिए खास करके शहीद सबके जे सपना छलै ओ सपनाके पूरा करैके लेल खास करके एहि देशमे जे संघीयताके कारणके सवालमे छै तऽ प्रमुख जिम्मेवारी एहि प्रदेश सरकारके छै हमसब ई बुझि रहल छियै संघीयताके सफलता और असफलता एहि प्रदेश सरकारके छै से अहाँके काजमे छै तहन हमसब बहुत संवेदनशील तरीका से प्रदेश सरकार के संपूर्ण कार्य सब आगे बढ़ा रहा है तो हम खास कर अपने सब देखने हे कि बहुत बात उठ रहा है प्रदेश में सुशासन के से बड़ा अभाव भ रहा है सुशासन के धज्जी उड़ रहा है ताहि दुआरे सुशासन कायम करे के लिए भी अपने के कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार द्वारा जन लोकपाल के से अहाँ के शुभ स्थापना भ गेलै आबे वाला समय में जन लोकपाल के माध्यम से प्रदेश में से सुशासन कायम करे के लिए प्रदेश सरकार तत्पर छै तहिना जखन बहुत कारण मध्ये एकटा कारण इहो छलै अपनेके जे अहाँके जनशक्ति के अभाव में छै से प्रदेश सरकार के बहुत काम सब नहि भऽ सकै छै तऽ ओहिके लेल प्रदेश सरकार अहाँके लोकसभा के स्थापना केलकै लोकसभा के माध्यम से अपने सब सुनना हेबै कि आब वैकेंसी सब भी खुल गेलै यऽ बहुत सारा जनशक्ति के छै से अहाँके वैकेंसी खुल गेलै यऽ आबे वाला निकट समय में ओ जनशक्ति जे पूरा हेतै स्वाभाविक रूप में जनता जे चाहना छै सुशासन चाहना छै या सेवा जे एकदम छरितो से सेवा के अपेक्षा केने छै ओ जनशक्ति कक्ष अयलाके बाद हेतै और विभिन्न क्षेत्र में
अब तीन साल के अवधि में सरकार द्वारा एन कानून का अभाव है, जनशक्ति का अभाव है, इस सारा चीज अब हो चुके हैं। आप सिर्फ जनता के अनुभूति हुए गरीब क्षेत्र से काम हर एक क्षेत्र में देखा पड़ते, ये अपने सबके प्रतिबद्धता के साथ अपने सबसे बिता देना चाहे।